तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर राजधानी भोपाल से अगली खबर मिल रही है। बता दें आपको, यहाँ पे गेस्ट हाउस, पलाश होटल बनेंगे कोविड सेंटर। मंत्री विश्वास सारंग ने बैठक में दिए निर्देश, इन कोविड सेंटर्स में होगा मरीजों का इलाज। तो यहाँ पर पलाश होटल जो है वो कोविड सेंटर बनाए जाएंगे, साथ ही गेस्ट हाउस और पलाश होटल को कोविड सेंटर्स में तब्दील किया जाएगा। मंत्री विश्वास सारंग ने बैठक में निर्देश दिए हैं, इन कोविड सेंटर्स में होगा मरीजों का इलाज। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर गेस्ट हाउस, पलाश होटल्स में बनेंगे कोविड सेंटर। और इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर कृष्णा द्विवेदी जुड़ चुके हैं, भोपाल संवाददाता। कृष्णा द्विवेदी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल में कोविड सेंटर्स जो है लगातार शुरू किए जा रहे हैं, ऐसे में गेस्ट हाउस और पलाश होटल को भी कोविड सेंटर बनाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से मरीजों की संख्या, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे इन लोगों को कहाँ रखा जाए, क्योंकि जो अस्पताल और जो इमरजेंसी व्यवस्था सरकार ने कर रखी थी वो सारे फुल हो चुके हैं। मरीजों की संख्या दिन ब दिन लगातार, नए संक्रमित मरीज रोज जा रहे हैं। ऐसे में अब सरकार ने फैसला किया है कि गेस्ट हाउस और पलाश होटल को कोविड सेंटर में तब्दील किया जाएगा। इस बात को लेकर शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गुरुवार को प्राइवेट नर्सिंग होम के साथ एक बैठक की। बैठक में संस्थाओं के सहयोग से कोविड सेंटर का निर्माण और अस्पतालों में बेड बढ़ाने पर चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर अविनाश लवानिया, मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन भोपाल ब्रांच के जो रेप्रेजेंटेटिव वो सभी मौजूद थे। बैठक में फैसला लिया गया कि सीपीए का जो गेस्ट हाउस है और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, पलाश होटल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मरीजों को यहां पर भर्ती किया जा सके और उनका इलाज किया जा सके। अनन्या जी, कृष्णा जी, क्या लगता है आपको कि इस रेजिडेंसी को कोविड सेंटर तब्दील करने के बाद कितना यहाँ पर फायदा होगा, क्योंकि लगातार कोविड सेंटर्स जो है बनाए जा रहे हैं, ऐसे में जितनी संख्या बढ़ती जा रही है, क्या ये कोविड सेंटर्स फायदेमंद होंगे इनके लिए? देखिए अनन्या, कोविड सेंटर अगर बनते हैं तो निश्चित तौर पर कामयाब होंगे और निश्चित तौर पर उनका काम हो रहा है और निश्चित तौर पर लोगों को उसका फायदा मिलेगा। देखिए जिस हिसाब से कोविड के जो मरीज निकल रहे हैं, पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं, उस लिहाज से अस्पतालों की और कोविड केयर सेंटर्स की संख्या जो होनी चाहिए, उनकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। लेकिन मरीज ज्यादा निकल रहे हैं, कोविड केयर सेंटर की जो संख्या है वो कम है, उनकी कैपेसिटी कम है, ऐसे में इमरजेंसी में इन तीन दो गेस्ट हाउस और पलाश होटल को कोविड सेंटर बनाने की जो व्यवस्था की गई है, उससे कहीं ना कहीं अगर ये मान भी दिया जाए कि 60-60 बेड का या उसका कोविड सेंटर हम इसको बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 180 लोगों का फायदा तो इससे होगा। 180 लोग को तो हम इसमें सरकार भर्ती कर सकती है, तो कहीं ना कहीं फायदा तो लोगों का होना तय है। अनन्या जी, धन्यवाद कृष्ण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त भोपाल से, लगातार यहाँ पर कोविड केयर सेंटर्स जो है बनाए जा रहे हैं, ऐसे में भोपाल में भी अब गेस्ट हाउस और पलाश रेजिडेंसी जो होटल है वहाँ पर भी कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। और ऐसे में पलाश होटल जो है वो कोविड केयर सेंटर बनेंगे, इसके लिए मंत्री विश्वास सारंग ने कल बैठक ली थी और उसमें निर्देश दिए थे, इस कोविड सेंटर में जो है मरीजों का इलाज किया जाएगा और साथ ही सारी सुविधाएं जो है कोविड के मरीजों को यहाँ पर दी जाएंगी।